हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। सुने सुने सर्व में पास सुने, ये सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी रणधीर शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो।
सहज ही चले सकल जग स्वामी मन मंजुवर कुंजर गामी
वरमाला पहना दो। जाओ बेटे, जाओ। भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या वो फिर क्षत्रियों का वध करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है कि वो अब कभी भी क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलो उनको नमस्कार करें, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। चल। मैं उग्रसेन का बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूं। मैं राजा बुद्धसेन आपको प्रणाम करता हूं। मैं राजा देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं हर्षवल्लोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। यह है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव।
प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान, आइए आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख, बता बता किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है। जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे, तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहां एकत्रित राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिव द्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है। हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा, हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। डिठाई की भी हद होती है, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था। और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है।
इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघारने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्यवीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा। बस बंद हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाइए। भगवान, तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है, यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो, भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अवै हो ही जो तुम्हें डराई।
राम ये धनुष है, ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले खेचहु चाप मिटाए संदेह, खेचहु चाप मिटाए संदेह। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं। आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिवजी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। मुझे अपना पुत्र समझकर मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखेगा, मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहेगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटा। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे प्रसाद से श्री राम ने धनुष भंग करके मेरा प्राण पूरा करके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप जो उचित समझे सो आज्ञा दीजिए। मिथिला नरेश, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, सो उसके टूटते ही विवाह तो हो गया। तथापि तुम अपने कुल की रीति के अनुसार अपने कुल के बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से पूछकर ही सारा काम करो, और अयोध्या में दूत भेजकर
महाराज दशरथ को कहो कि वो बारात सजाकर जनकपुरी पहुंचे। जो आज्ञा। परशुराम के बारे में वाल्मीकि ने लिखा है कि परशुराम विष्णु के अंश अवतार थे। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अंत में उन्होंने जब यह धरती अपने गुरु को दान कर दी, तब गुरु ने कहा कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। इसी बात का इशारा परशुराम जी ने राम से किया है। अपने तपोबल से उन्होंने कई पुण्य लोक अर्जित कर लिए थे। अपनी सिद्धियों के कारण मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। इसी कारण अंशावतार होते हुए भी उनमें बहुत अहंकार पैदा हो गया था। अहंकार बहुत सी बुराई की जड़ है, क्योंकि वो मनुष्य को अपने मत से अंधा कर देता है। उसे सामने वाले की महत्ता दिखाई नहीं देती। इसी कारण परशुराम जी को भी श्री राम को पहचानने में इतनी देर लगती है। अहंकार में उत्तेजना भी बहुत होती है, और एक अहंकारी पुरुष की शक्ति क्षीण करने का तरीका वही है जो लक्ष्मण ने अपनाया। उन्होंने अपनी बातों से परशुराम जी को बहुत क्रोधित कर दिया। क्रोध से उत्तेजित मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसीलिए गंभीर परिस्थिति आने पर मनुष्य को उत्तेजित होने की बजाय शांत रहना चाहिए, तभी वो विजयी हो सकता है। उधर श्री राम सर्वसमर्थ होते हुए भी उस समय तक धनुष की ओर नहीं जाते जब तक गुरु विश्वामित्र स्वयं उन्हें आदेश नहीं देते। हालांकि सीता जी की अधीरता और विवलता को वो अच्छी प्रकार देख रहे हैं और समझ रहे हैं, एक ओर मर्यादा का यह प्रतिबंध, परंतु दूसरी ओर मन ही मन श्री राम सीता की इस अधीरता में अपने प्रति उनके प्रेम की प्राकाष्ठा को देखकर बराबर पुलकित भी हो रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समते ही, अस जिए जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेकी। आज के ज़माने में इस शिक्षा की कितनी आवश्यकता है ये सब जानते हैं। यदि आज का समाज इतना ही समझ ले तो रामायण की कथा सार्थक हो जाती है। आज के ज़माने में यदि इसी प्रकार हम संयम और मर्यादा पाल सकें तो हमारे सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में से बहुत से तनाव निकल जाएं और प्रेम का वातावरण चारों ओर फैल जाए। रामायण ऐसे ऊंचे विचारों की प्रेरणा स्रोत है, यही इस ग्रंथ की महानता है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु हो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किए की प्यास बुझत न बुझाए।